हेलो दोस्तों, आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेक्चर 2 है। और यहाँ पर कैंडलस्टिक में हमने स्टार्टिंग में सीखा था, पहले तो 2 कैंडलस्टिक सीखे। एक होता है रेड और दूसरा होता है ग्रीन। रेड कैंडल जो होता है वो मार्केट को बेयरिश दर्शाता है, और जो ग्रीन कैंडल होता है वो मार्केट को बुलिश दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग वगैरह है वो अच्छे से वीडियो देखना, बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हमने क्या सीखा पहले। उसके बाद हमने सीखा हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये दोनों कैंडल मार्केट के सपोर्ट पे बनेगा और मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। फिर उसके बाद आता है शूटिंग स्टार कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल, और ये दोनों कैंडलस्टिक मार्केट के रेजिस्टेंस पे बनता है और मार्केट को पूरा नीचे लेके आ जाता है। कंडीशन अपना अपना अप्लाई होता है, सब लोग का अलग अलग अपना अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क होता है और उसके हिसाब से मार्केट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले ग्रेवस्टोन डोजी। डोजी कैंडलस्टिक के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ग्रेवस्टोन डोजी, दूसरा होता है लॉन्ग लेजेड डोजी, और तीसरा होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें कलर मैटर नहीं करता, कलर कुछ भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान देना कैंडल का फॉर्म जो होगा ना वो इस प्रकार के कुछ होंगे, जो भी कैंडल फॉर्म होगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि ग्रेवस्टोन डोजी होता है क्या और कैसे काम करता है और कब काम करता है और ये फॉर्म कैसे होता है। देखो ग्रेवस्टोन डोजी ना मार्केट जहां से ओपन हुआ, देखो मार्केट यहां से ओपन हो रहा है। ठीक है, मार्केट यहां से ओपन हुआ और ये ऊपर की तरफ मार्केट जाता है पहले। ठीक है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं और ये मार्केट को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन फिर वो यू टर्न मार लेता है और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स खाली हो जाते हैं, जिसके वजह से ये मार्केट फिर से नीचे की तरफ आके और जहां से ओपनिंग हुआ था वहीं जाके क्लोज हो जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, अगर थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे चला जाए तो रेड कलर में हो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर बंद हो गया तो ग्रीन कलर में हो जाएगा, और एज इट इज जहां से खुला वहीं बंद हुआ तो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा मैंने बताया वो हर एक चीज ग्रेवस्टोन डोजी में ही आएगा, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी कहलाएगा। अब ग्रेवस्टोन डोजी का मैं एग्जाम्पल देता हूं मार्केट में कहां फॉर्म होता है और कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, अब देखो ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट के बुलिश ट्रेंड के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, जो बायर्स यहां पर एक्टिव होते हैं और ये मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट को नीचे लेके आते हैं और यहां पर ये ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद ये फिर नीचे आने के लिए रेडी हो जाता है और मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ जाता है। तो ग्रेवस्टोन डोजी जो कैंडल है वो मार्केट के प्रॉपर रेजिस्टेंस पे बनता है और वहां पर ये काम अच्छा करता है। लेकिन मैं इसको अगर कंपेयर करूं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक से, आपको दिखाता हूं मैं शूटिंग स्टार। चलो मैं यहीं पे ड्राइंग बनाता हूं प्रॉपर। देखो जो शूटिंग स्टार कैंडल है वो अगर ऐसे होगा, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल कैसे होगा, सेम एज इट इज ऐसे शूटिंग स्टार कैंडल होगा। तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक में ध्यान देना क्या बोलना चाहूंगा मैं, शूटिंग स्टार कैंडल में ना यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते और मार्केट को ऊपर लेके आते हैं, और सेलर्स काफी ज्यादा हैवी मात्रा में एक्टिव होने के बाद मार्केट को नीचे लेके जाके क्लोज करते हैं, तब जाके यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो जाता है। अब देखो ये ग्रेवस्टोन डोजी में क्या हुआ, बायर्स एक्टिव और सेलर्स एक्टिव होके जहां पे मार्केट था वहीं पे लाके खत्म किया, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक में क्या हुआ, मार्केट को नीचे और लेके गया और वहां पर क्लोजिंग आ गया, जिसके वजह से ये उल्टा हथौड़ा रेड कलर में बन गया और इसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। तो ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो जो सबसे अच्छा काम करेगा ना वो शूटिंग स्टार काम करेगा, ग्रेवस्टोन डोजी उसके सामने फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम्पल देता हूं। देखो आपके सामने यहां पर चार्ट खुला है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है और ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनने के बाद देखो मार्केट अच्छे अच्छे रेड देने लगा, और जब ग्रेवस्टोन डोजी बना तब जाके यहाँ पर फिर भी बायर्स एक्टिव है और नीचे चले गए, लेकिन जैसे शूटिंग स्टार बना यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक बार भी मार्केट ऊपर की तरफ वीक नहीं छोड़ा और ये नीचे नीचे की तरफ आते गए। तो ये होता है ग्रेवस्टोन डोजी और ये होता है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, और ये दोनों में जो सबसे अच्छा कैंडलस्टिक है वो शूटिंग स्टार है। मार्केट शूटिंग स्टार पे बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, डोजी ग्रेवस्टोन डोजी पे काम में नहीं करता, और करता भी हूं तो छोटे क्वांटिटी में करता हूं और वो टारगेट मिल गया तो ठीक है, वरना एसएल दे देता हूं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मार्केट में ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ था और वहां पर मैंने काम किया था और वो मेरा एसएल चला गया था, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखो
यहां पर देखो आप लोग, मार्केट ने क्या किया, यहां पर डोजी बना है, ठीक है, प्रॉपर ये डोजी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है। क्या हुआ, बस थोड़ा सा ऊपर पहले क्लोज हो गया, तो इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे। और यहां पर क्या हो, बायर्स हैवी मात्रा में आए थे और हैवी मात्रा में निकल गए, सेलर सावी हो गए थे। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी यहां पर मेरा एसएल हिट हो गया, पास किया, ट्रेड लिया था, और यहां पर ट्रेड लेने के बाद यहां पर ये एसएल हमारा चला गया था। तो उसके बदले अगर यहां पर गलती से रेड कलर में शूटिंग स्टार बनता ऐसे, या फिर हमारी उल्टा हथौड़ा ही बनता, तो वो ज्यादा अच्छा काम करता ग्रेवस्टोन डोजी के मुकाबले। तो मैं कभी भी प्रीफर करता हूं, अगर ऐसे प्रकार का कोई कंडीशन आ जाता है, ग्रेवस्टोन डोजी बन जाता है, तो मैं वहां पर क्वांटिटी कम करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे एसएल भी जाए, तो वो मेरा एसएल एक छोटे अमाउंट में जाए, ना कि बड़े अमाउंट में निकल जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल था, उसके वजह से मैं आपको एक क्लियर बता दिया, जो रिसेंट में मैंने एसएल दिया था ग्रेवस्टोन डोजी पे। ठीक है, आपको ये तो समझ गया कि डोजी में ग्रेवस्टोन डोजी कहाँ पे क्रिएट होता है, ये रेजिस्टेंस पे क्रिएट होता है, मार्केट को नीचे लेके जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छा काम करेगा वहां पर शूटिंग स्टार काम करेगा, ग्रेवस्टोन डोजी पे काम कम करने का करना है। देखो कभी कभी टारगेट बड़े अचीव हो जाते हैं, तो उसके चक्कर में टारगेट छूट जाता है, लेकिन कम लॉट से करना एकदम, जहां कोई 5 लॉट से करता रहेगा वो 2 लॉट पे आ जाना, अगर एसएल गया तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, समझे। और उसके बाद यहां पर हम सीखेंगे लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल। ठीक है, लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल जो होता है ना, इसको मैं एक इनडिसीजन कैंडल बोलता हूं। इनडिसीजन क्यों कैंडल बोलता हूं, उसके पीछे कारण है। देखो यहां पर क्या होता है, ये यहीं से ओपन हुआ, ठीक है, ये ओपन होने के बाद बायर्स ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को, लेकिन फिर सेलर्स एक्टिव होते हैं और ये मार्केट को फिर से पूरा नीचे लेके चले जाते हैं, लेकिन फिर से यहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को फिर पूरा ऊपर लेके जाते हैं। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट ये आता है कि मार्केट ना ऊपर क्लोज होता है ना नीचे क्लोज होता है, और ये प्रॉपर डोजी कैंडल में फॉर्म होके यहाँ पर बीच में क्लोज हो जाता है। वो बीच वाला चाहे थोड़ा ग्रीन हो सकता है, चाहे थोड़ा सा रेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इनडिसीजन कैंडल कहलाएगा, लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल कहलाएगा। जब भी ये कैंडल बन जाए ना, तब समझना कि मार्केट एक तो साइडवेज हो सकता है, अन्यथा अगर ये रेजिस्टेंस पे बन जाए तो मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, और ये ऐसे मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर के तरफ जा रहा है, और जब भी ये कैंडल फॉर्म हो जाए तो मार्केट को वहीं से नीचे रिवर्स लेके आ सकता है, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। और सेम कंडीशन की अगर ये मार्केट सपोर्ट पे बन जाए, सपोर्ट पे तो क्या करेगा, जैसे इसको पास करेगा ट्रेड ले सकते हैं, ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, इसका लो हमारा ऐसे होगा। तो कंडीशन समझना है, यहां पर आपको मैं प्रॉपर एग्जांपल देता हूं, एक लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल। अब देखो यहां पर लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल बना, मार्केट के रेजिस्टेंस पे बना, मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आया, लेकिन क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया। यहां पर क्या हुआ, मार्केट देखोगे आप ऑल ओवर धीरे धीरे थोड़ा बहुत जाके साइडवेज यहां पर हो चुका है। तो जो लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल होता है वो इसके प्रकार देख सकते हो, ऐसे रेड कैंडल में भी हो सकता है, ऐसे ग्रीन कैंडल में भी हो सकता है। यहां पर लॉन्ग लेजेड डोजी इस प्रकार के कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये एक इनडिसीजन कैंडल है, इसमें मार्केट पे कोई भी डिसीजन लेके कुछ भी ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना बेस्ट होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहला रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम सीखने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि यहां पर क्या, ये मार्केट यहां से ओपन हो तो जाता है, लेकिन फिर यहां पर सेलर्स हैवी मात्रा में एक्टिव होते हैं और मार्केट को पूरा नीचे लेके जाते हैं, लेकिन क्या होता है, सेलर्स धीरे धीरे खाली हो जाते हैं वहीं पर, और बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स फिर ये मार्केट को ऊपर के तरफ लेके जाते हैं, और जहां से ओपन हुआ था मार्केट वहीं पे जाके क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स एक्टिव तो हुए थे लेकिन खाली हो गए, और सेलर्स हावी हो चुके हैं यहां पर, तो ऑल ओवर यहां पर सेलर्स हावी हो गए, और इसका मतलब ये कहां बनेगा, मार्केट के प्रॉपर सपोर्ट पे बनेगा, तब जाके ये सही से काम करेगा। ठीक है, अब दिखा देता हूं आपको इस एग्जांपल इसका एक बार अच्छे से। ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहां पर सपोर्ट पे इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और मार्केट को ऊपर के तरफ लेके चला गया। लेकिन अगर यहीं पे हैमर बना होता प्रॉपर, यहीं पे एक अच्छा हैमर बना होता ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता हैवी क्वांटिटी में काम करने के लिए, ना कि यहां पर ग्रेवस्टोन डोजी पे काम करना। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूं।
हैमर ज्यादा अच्छा होता ड्रैगन फ्लाई डोजी से, और वहां पर ग्रेवस्टोन डोजी से ज्यादा अच्छा होता अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता तो। आई होप समझे होगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है और प्रॉपर डोजी कैंडल क्या होता है, जिसको लॉन्ग लेजिट डोजी कैंडल बोलते हैं, और उसके बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी होता है। ये तीनों कैंडल समझ गया होगा, नहीं समझा होगा तो रिवाइंड करके फिर से देखना और लिखना अच्छे से, तब जाके और अच्छे से समझेगा, ठीक है। आपको ये समझ गया ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट के रेजिस्टेंस पे बनेगा और नीचे लेके आएगा। लॉन्ग लेजिट जो डोजी कैंडल होता है वो मार्केट में कुछ भी डिसीजन ना लेना बेटर होता है, क्योंकि वहां पे मार्केट साइडवेज भी हो सकता है और रेजिस्टेंस पे बना है तो नीचे आ सकता है, सपोर्ट पे बना है तो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये मार्केट के सपोर्ट पे बनेगा जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो यहां पर जो हमारे तीन डोजी कैंडल्स के पैटर्न थे वो समझा दिया हूं मैं, ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेजिट डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये तीनों यहां पर मैं अच्छे से समझा दिया हूं, ये तीनों के कंडीशन समझा दिया हूं, एक बार लिख लेना अच्छे से, रिवाइंड करके वीडियो आप लोग को लॉन्ग टर्म में काम आएगा, क्योंकि इंसान भूलता भी बहुत जल्दी है। अब यहां पर मैं सिखाने वाला हूं मारुबुजो कैंडल, ठीक है। मारुबुजो कैंडल में क्या होता है, यहां पर जो ग्रीन कैंडल है वो मार्केट को बुलिश दर्शाता है और जो रेड कैंडल है वो मार्केट को बेयरिश दर्शाता है, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या वो समझा देता हूं। देखो जो ग्रीन कैंडल है ना, आप सोचोगे कि ग्रीन कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बेयरिश कैंडल बोलेंगे, ना कि वो ग्रीन कलर में हो गया तो उसको हम बेयरिश कैंडल बोलेंगे। क्यों? देखो हैमर में क्या होता है, हैमर में मैं बोलता हूं रेड बने तो भी चलेगा, ग्रीन बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसमें कलर मैटर करता है। बुलिश के लिए ग्रीन कैंडल होना चाहिए और बेयरिश के लिए रेड कैंडल होना चाहिए। रेड कैंडल जब बन जाए ना तो डाउन ट्रेंड में समझना, अगर रेड कैंडल मारुबुजा बन जाए अच्छे से तो समझना कि ये एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है और ये डाउन के ही तरफ जाएगा, क्योंकि यहां पर सेलर्स काफी ज्यादा हैवी मात्रा में एक्टिव है। देखो यहां से ओपन हुआ और उसके बाद वो नीचे चला गया और नीचे क्लोज भी हो गया, इसका मतलब क्या, यहां पर बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में सेलर्स एक्टिव है। और सेम यहां पर होता है मारुबुजो बुलिश में, यहां से एक्टिव होता है मार्केट शुरू होता है और ये ऊपर के तरफ लेके जाता है और ये ऊपर ही क्लोज हो जाता है, इसका मतलब यहां पर हैवी क्वांटिटी में बायर्स एक्टिव है। तो आपको मारुबुजो तो समझ गया क्या होता है, लेकिन ये कब बनता है और ये कब अच्छे से काम करता है वो बताता हूं। देखो मारुबुजो कैंडल जो है ना वो कम से कम 30 पॉइंट का बनना चाहिए, कम से कम 30 पॉइंट का बनना चाहिए, इसका ओपनिंग से लेके और क्लोजिंग तक कम से कम 30 पॉइंट का बनेगा ना तो समझना बड़ा कैंडल बनना चाहिए, तब समझना कि ये मारुबुजो कैंडल है और वो ज्यादा अच्छा काम करता है मुकाबले 20 पॉइंट या 10 पॉइंट के कैंडल बनने से। अच्छा 30 पॉइंट कम से कम बनना चाहिए, ज्यादा बना तो वेल एंड गुड। सेम कंडीशन यहां पर पुट में भी होता है, ठीक है। अब इसका मैं कंडीशन समझा देता हूं, ये कहां बनता और कितना अच्छा काम करके दिखाता है। पहले रेड कैंडल समझते हैं। रेड कैंडल देखो ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में कहीं भी कभी भी बन जाता है, इसका कोई कंडीशन नहीं कि ये प्रॉपर रेजिस्टेंस पे ही बने, ये बीच में भी बनता है और वहां से ज्यादा तेजी से आने वाला मूव की संभावनाएं होती है। सपोर्ट पे बना तो ज्यादा अच्छा है, सॉरी रेजिस्टेंस पे बना तो ज्यादा अच्छा है, वो मार्केट को बेरिश लेके आता है, लेकिन ये बीच में भी बना ना, लेकिन बड़े कैंडल बनना चाहिए। छोटे कैंडल बना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, बड़े बड़े कैंडल बनेगा तो उसका ज्यादा वैल्यू होता है मुकाबले छोटे कैंडल के, ठीक है। तो आपको मारुबुजा रेड कैंडल समझ गया कैसे बनता है और कहां से फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। अब सेम कंडीशन ग्रीन समझाता हूं। ग्रीन में भी यहां पर देखो ये बीच में बन रहा है, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बीच वाला, देखो ये बना था, ये बना ऊपर लेके गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ये बीच में बना ऊपर लेके चला गया, फिर ये बीच में बना मार्केट को ऊपर लेके चला गया। तो ये बीच में भी बनेगा ना तो वो काम कर देता है, प्रॉपर काम कर देता है और मार्केट को धीरे 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 ऊपर के तरफ लेके जाता है। इसका एक्चुअल जो काम होता है ना वो मार्केट का ट्रेंड अच्छे से बता देता है कि नहीं मैं पूरा बेरिश हूं, नहीं मैं पूरा बुलिश हूं, ये मार्केट का ट्रेंड अच्छे से हमें दर्शा देता है। तो आपको आज जो टॉपिक सिखाया हूं मैं वो डोजी में तीन प्रकार के डोजी होते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेजिट डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये तीन प्रकार के डोजी सिखाया, एग्जांपल दिया और चार्ट पैटर्न में समझाया। उसके बाद जो सिखाया वो मारुबुजा
मारुबुजो सिखाया, मारुबुजो में यहाँ पर ग्रीन और रेड दोनों समझा दिया, और वो कहाँ पे फॉर्म होता है वो भी आपको समझा दिया, और कैसे इसका स्ट्रक्चर निकल के आता है वो भी आपको समझा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो कि डोजी कैंडल स्टिक क्या होता है और मारुबुजो कैंडल स्टिक क्या होता है। आज का जो कैंडल स्टिक सिंगल कैंडल स्टिक पार्ट होता है वो क्लियर हो गया आज के दिन में हमारा, और अब जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक होने वाला है वो दो कैंडल को मिला के कैंडल स्टिक क्या होता है उस पर सीखने वाले, और वो आपको कल सीखने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।